हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। यहाँ पर हम इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फ्रॉम द टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच। दिस इज़ पार्ट टू ऑफ द वीडियो। यहाँ पर हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। पार्ट वन में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे जिसमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था, तो दिस इज द ऑपोजिट। यू हैव टू कन्वर्ट इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। नाउ इफ यू ऑल वांट टू नो व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वी हैव अ सेपरेट लेक्चर ऑन दैट। यू कैन सी दैट एंड आई विल गिव द लिंक ऑफ दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो। Now before starting with this session, I would like to tell you that please hit on the bell icon below this video so that you get notifications regarding the next upload, and also follow English Academy on our social media platforms for interesting stuff related to English like quizzes and other trivia. Now let us begin with this quiz where we'll cover questions from reported speech and you have to convert इनडायरेक्ट स्पीच इंटू डायरेक्ट स्पीच। और ये जो टॉपिक है ये इंग्लिश ग्रामर में आता है फॉर क्लासेस 8, 9, 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर वन इज ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज फ्री दैट आफ्टरनून। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ही सेड आर यू फ्री दिस आफ्टरनून, ऑप्शन बी ही सेड विल यू बी फ्री दिस आफ्टरनून, ऑप्शन सी ही सेड इफ आई एम फ्री दिस आफ्टरनून, ऑप्शन डी ही सेड बी फ्री दिस आफ्टरनून। Your 10 seconds begin now, so you have to guess which is the correct answer. Once the time is over, I'll discuss the correct answer with all of you. So the time is up aur iska answer hai option A. He said, are you free this afternoon? जैसे कि हमें रूल्स में पता ही है, डायरेक्ट स्पीच में हम जो भी रिपोर्टेड वर्ड्स होते हैं जो किसी ने स्टेट कहा होता है उसे इन्वर्टेड कॉमर्स में डालते हैं। ऐसा ही हमने यहाँ पर भी करना है और उससे पहले एक कॉमा लगाना है एंड उससे पहले he said आएगा फॉर दिस क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ही आस्ट, आस्ट से हमें पता लग गया कि ये क्वेश्चन है इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। अब जब इफ आता है दिस इज इफ जब यूज होता है दिस ऑल्सो इंडिकेट्स दैट दिस इज अ क्वेश्चन, और जब यहाँ पर दैट है इनडायरेक्ट स्पीच में वो डायरेक्ट स्पीच में दिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब रूल्स आपने पढ़े हैं रिपोर्टेड स्पीच के, एंड इफ यू आर नॉट क्लियर, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, then please see the video on the lesson of reported speech. The link is there in the description box below this video. Now we move ahead to question number 2. She said that she exercises daily. Option A, she said I exercise daily. Option B, she said I would exercise daily. Option C, she said I exercises daily. Option D, she said I exercised daily. Your 10 seconds begin now. और यहाँ पर एक error है, full stop और इन्वर्टेड कॉमर्स मिसिंग है वो मैंने लगा दिए हैं, सो इसकी वजह से आप इस आंसर को और इस ऑप्शन को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसका आंसर है ऑप्शन ए, शी सेड आई एक्सरसाइज डेली। अगेन वील फॉलो ऑल द रूल्स दैट आर देयर फॉर कन्वर्टिंग इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। नाउ वी मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3। ही सेड दैट ही वुड डिपॉजिट द चेक द फॉलोइंग डे। ऑप्शन ए है He said, I will deposit the check the next day. Option B है, he said, I would deposit the check soon. Option C है, he said, I will deposit the check tomorrow. और option D है, he said, I would deposit the check the following day. Now your 10 seconds begin now. Again, you have to guess the correct answer. You have to apply all the rules that are there for converting indirect speech into direct speech. इसका answer भी option A है. He said, I will deposit the check the next day. अब जो following day है उसे हम direct speech में next day लिखेंगे और would will change back into will. Now we move ahead to question number 4. George exclaimed with joy that he was happy with his result. Option A is, George said, I am happy with my result. Option B, George said, alas, I am happy with the result. Option C, George said, hooray, I'm happy with my result. Option D, George said, happy with the result. Your 10 seconds begin now. Now you have to be very careful ki exclaimed with joy. Iske jagah direct speech mein kya word hona chahiye?
जिसे हमने कन्वर्ट करके एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखा है. द आंसर टू दिस इज ऑप्शन सी. जॉर्ज सेड हुर्रा. हुर्रा इज एन एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय, एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस. तो जब जॉर्ज ने ऐसे कहा तभी तो हमने इसे कन्वर्ट करके यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखा है. ही वॉज हैप्पी विद हिज रिजल्ट. आई एम हैप्पी विद माई रिजल्ट. So we have converted simple present tense into simple past tense. So the answer for question 4 will be option C. We move ahead to question number 5. He told the peon to inform the manager. Option A. He said to the peon, inform the manager. Option B. He said the peon must inform the manager. Option C. He said to the peon, manager should be informed. Or option D. He said to me, the peon shall inform the manager. योर 10 seconds बिगिन नाउ. अब ध्यान से कुछ सेंटेंस को पढ़िए तभी आप उसका करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं. ही टोल्ड द पियॉन टू इन्फॉर्म द मैनेजर. द आंसर टू दिस इज ऑप्शन ए. ही सेड टू द पियॉन इन्फॉर्म द मैनेजर. तो उसने पियॉन को कहा कि मैनेजर को इन्फॉर्म कर दो. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 6. रवि सेड दैट ही हैड टॉट टिल 8th ग्रेड. योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए. रवि सेड आई टीच टिल 8th ग्रेड. ऑप्शन बी. रवि सेड आई वुड हैव टॉट टिल 8th ग्रेड. ऑप्शन सी. रवि सेड आई हैव टॉट टिल 8th ग्रेड. एंड ऑप्शन डी. रवि सेड आई हैव टॉट टिल 8th ग्रेड. योर 10 seconds बिगिन नाउ. तो आपको बड़े ध्यान से असर्टेन करना है कि टेंस कौन सा यूज होगा इसमें. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. रवि सेड आई हैव टॉट टिल 8th ग्रेड. नाउ यहाँ पर देखिए, रवि सेड दैट ही हैड टॉट टिल 8th ग्रेड. दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस इन डायरेक्ट स्पीच शुड बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो इट विल बी आई हैव टॉट, नॉट आई हैड टॉट. ये तो खुद पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसको कन्वर्ट करके हम पास्ट परफेक्ट ही नहीं लिखेंगे. सो आर आंसर विल नॉट बी ऑप्शन डी, इट इज ऑप्शन सी. Now we move ahead to question number 7. He inquired if I had filled the form. Hamari options hai. Option A, he said, had you filled the form? Option B, he said, would you fill the form? Option C, he said, have you filled the form? Option D, he said, you should fill the form. And your time begins now. तो करेक्ट आंसर क्या होगा उसमें आपको टेंसेस का भी ध्यान रखना है, एक्सप्रेशंस की भी सही कन्वर्जन होनी चाहिए, और जो भी वर्ड्स यूज होते हैं वो सही होने चाहिए. इसका आंसर है ऑप्शन सी. ही सेड हैव यू फिल्ड द फॉर्म. तो बहुत ही सिंपल है. अगर हैड है इनडायरेक्ट स्पीच में तो डायरेक्ट स्पीच में हैव हो जाएगा. और जैसे कि ये क्वेश्चन है तो हमने क्वेश्चन मार्क भी यूज़ किया है, और यही रूल्स हैं जो हमें फॉलो करनी है कन्वर्जन के लिए. अब हम आगे चलते हैं. ही प्रेड दैट गॉड माइट फुलफिल हर विश. द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए. ही सेड May God fulfill her wish. Option B. He said, May God fulfill your wish. Option C. He said, Might God fulfill her wish. And option D. He said, Might God fulfills her wish. The 10 seconds begin now. So again, we have to see ki prayed ki jagah kaun sa sahi word use hona chahiye. To hum prayed use kar sakte hain. Iska answer hai option A. He said, may God fulfill her wish. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, her और your में से क्या चीज़ आएगी. Your अगर हम use करेंगे that means हम speaker के लिए sentence बोल रहे हैं, लेकिन speaker को उसने pray नहीं किया. यहाँ पर भी her है, यानी कि किसी third person की बात हो रही है, इसीलिए हम her use करेंगे. Next question देखते हैं. He said that he would not go with us. Option A. He said, I will not go with you all. Option B, he said, I will not go with them. Option C, he said, I would not go with them. Option D, he said, I will not be going with them. The 10 seconds begin now. तो हमें ये ध्यान रखना है कि us की जगह direct speech में क्या आएगा. The answer to this is option A. Us की जगह you all आएगा. तभी तो you का us बनेगा indirect speech में. He said, I will not go with you all. We move ahead to question number 10. The teacher quoted that slow and steady wins the race. Now this is a quote and you have to be very careful कि इसे कैसे convert करना है. Option A है, the teacher said, slow and steady should win the race.
ऑप्शन बी है द टीचर सेड स्लो एंड स्टडी हैव वन द रेस. ऑप्शन सी है द टीचर सेड स्लो एंड स्टडी हैव बीन विनिंग द रेस. और ऑप्शन डी है द टीचर सेड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. द 10 seconds बिगिन नाउ. हरी अप स्टूडेंट्स, गिव योर आंसर्स इन द लाइव चैट एंड देन वील डिस्कस. यू कैन जज हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर इन दिस टॉपिक. टाइम इज अप एंड द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन डी. द टीचर सेड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. नाउ इसमें टेंस का कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज दिस इज अ कोट, दिस इज अ ट्रुथ. और जब भी कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई ट्रुथ या कोई फैक्ट आता है उसका टेंस चेंज नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 11. द टेक्नीशियन सेड दैट ही वुड रिपेयर द लैपटॉप. ऑप्शन ए इज द टेक्नीशियन सेड आई विल रिपेयर द लैपटॉप. ऑप्शन बी द टेक्नीशियन सेड आई वुड रिपेयर द लैपटॉप. ऑप्शन सी द टेक्नीशियन सेड आई शुड रिपेयर द लैपटॉप. और ऑप्शन डी द टेक्नीशियन सेड आई कैन रिपेयर द लैपटॉप. द टाइम बिगिंस नाउ. The answer to this is option A. The technician said, I will repair the laptop. Simple, would ki jagah will use hoga, baki sare rules wohi rahenge. Now we see the next question. Samuel exclaimed with joy that they had won. Again, we have to find the correct word for this. Option A is, Samuel said, alas, we have won. Option B, Samuel said, we have won. Option C, Samuel said, hurrah, we have won. Option D, Samuel said, we did win. And the time begins now. So, आपको tense का भी ध्यान रखना है, plus इस expression के लिए कौन सा word आना चाहिए, वो भी careful होना है. The answer to this is, I know most of you must have guessed the correct answer. It is option C. Samuel said, hurrah, we have won. So, hurrah is an exclamation of joy. That is why this is the correct answer for this conversion. Question number 13. The reporter confirmed that that news was fake. Your options are option A, the reporter said this news has been fake. Option B, the reporter said this news is fake. Option C, the reporter said the news was fake. Option D, the reporter said that news is fake. And the time begins now. Time is up and the answer is option B. The reporter said, this news is fake. तो यहाँ पर ये जो that है इसकी जगह हम direct speech में this use करेंगे. और जैसे कि ये past tense है, simple past tense, तो हम simple present tense में convert कर देंगे. Question number 14 देखते हैं. Vikas ordered that I had to complete the presentation soon. Now your options are, option A, Vikas said, you must complete the presentation soon. Option B, Vikas said, you shall complete the presentation soon. Option C, Vikas said, you complete the presentation. Option D, Vikas said, will you complete the presentation soon? And the time begins now. तो यहाँ पर soon word छुप रहा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है. ये complete sentence है. Vikas ordered that I had to complete the presentation soon. Students, the time is up. The answer to this is option A. Vikas said, you must complete the presentation soon. तो यहाँ पर had to की जगह हमने must use किया है. और यहाँ पर ये जो I है ये किसको refer कर रहा है? Speaker को. तो जब विकास ने बोला तो उसने you बोला था speaker के लिए, जिसे हमने I use कर दिया था in indirect speech. Next question देखते हैं, question number 15. The doctor asked whether he had shown any recovery. Option A is, the doctor said, is he showing any recovery? Option B, the doctor said, has he shown any recovery? Option C, the doctor said, he has shown recovery. Option D, the doctor said, is he recovered? The time starts now. The answer is option B. The doctor said, has he shown any recovery? तो डॉक्टर ये पूछ रहा है. सिंपल है, जैसे यहाँ पर had है तो इसकी जगह हमारी डायरेक्ट स्पीच में has आएगा. और ये क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर whether आ रहा है, asked आ रहा है, and that is why we've used a question mark. बाकी सारे रूल्स कोई सिंपल हैं, वही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
He asked me not to worry. Option A is he said he should not worry. Option B, he said, oh, don't worry. Option C, he said, you do not worry. Option D, he said, you should not worry. The time starts now. तो अब देखिए ऑप्शन सी और डी काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये शुड आएगा क्योंकि यहाँ पर शुड से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं है. इसका आंसर है ऑप्शन सी, ही सेड यू डू नॉट वरी. सिंपल है, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो सारे वर्ड्स इंक्लूड हो रहे हैं. अगर हम ऑप्शन डी लेंगे तो हमें शुड की जगह यहाँ पर कोई वर्ड नहीं मिल रहा. दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट द आंसर, सी इज़ द आंसर. एंड बी इज़ नॉट द आंसर क्योंकि ओ की जगह यहाँ पर कोई एक्सक्लेम विद सोरो या ही रिपेंटेड ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं हुआ, इसलिए हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते. दैट इज़ वाई बी इज़ नॉट आर आंसर. ही सेड ही शुड नॉट वरी. अब यहाँ पर ही कौन हुआ? कोई थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन की तो यहाँ पर बात ही नहीं रही हो रही है. जब यहाँ पर वो मी कह रहा है यानी कि वो स्पीकर अपने आप के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर अगर यू होता तो हमारा आंसर होता, लेकिन शुड के लिए भी कोई सही वर्ड नहीं है यहाँ पर, इसीलिए ये भी करेक्ट आंसर नहीं है. सो आर आंसर इज ऑप्शन सी. इस तरह से आप एलिमिनेशन करके भी गलत ऑप्शंस को हटाकर सही आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. ही आस्क्ड वेयर हिज बिलोंगिंग्स वर. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, ही सेड वेयर वर माय बिलोंगिंग्स. ऑप्शन बी, ही सेड वेयर माय बिलोंगिंग्स हैड बीन. ऑप्शन सी, ही सेड वेयर आर माय बिलोंगिंग्स. एंड ऑप्शन डी, ही सेड वेयर वुड माय बिलोंगिंग्स बी. द टाइम स्टार्ट्स नाउ. The answer to this will be option C. He said, "Where are my belongings?" Very simple. यहाँ पर asked है, so this is a question. We will put a question mark. Where his belongings were? Were की जगह यहाँ पर are आएगा, because this is in the past tense. So we will use sentence in the present tense in the direct speech. Next question देखते हैं. Lisa said that she would be traveling the following day. Options are. Option A, Lisa said I would travel tomorrow. Option B, Lisa said I will be traveling tomorrow. Option C, Lisa said I shall be traveling the next day. Option D, Lisa said I may travel tomorrow. Your time starts now. So you have to see कि कौन सा टेंस है, would be traveling. इसी के हिसाब से आप डायरेक्ट स्पीच में भी टेंस यूज करेंगे. The answer is option B. Lisa said I will be traveling tomorrow. Very simple. वुड बी ट्रैवलिंग की जगह हम प्रेजेंट टेंस अगर यूज करेंगे, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, दिस इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सो इट विल चेंज इन टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. आई विल बी ट्रैवलिंग एंड द फॉलोइंग डे विल चेंज टू टुमारो. सो आर आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. ऋषभ एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ दैट हिज फ्रेंड हैड डाइड. ऑप्शन ए, Rishabh said, "Alas, he dies." Option B, Rishabh said, "Alas, my friend has died." Option C, Rishabh said, "Oh, my friend died." Option D, Rishabh said, "Oh, ah, my friend died." The time starts now. अब इन चारों sentences में ही exclaimed with grief के लिए कोई ना कोई word option दी हुई है. तो एक तो हमें उसमें से देखना है कि alas आएगा या फिर oh आएगा, और फिर आपको tense देखना है. Tense यहाँ पर कौन सा दिख रहा है? Had died. तो हैड डाइड की जगह कौन सा सही टेंस आना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन बी. ऋषभ सेड अलास माय फ्रेंड हैज डाइड. हैज डाइड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और यहाँ पर यूज हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस. तो सही है, पास्ट परफेक्ट टेंस को जब हम डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा. सो आवर आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं. ही रिक्वेस्टेड द ऑडियंस टू मेंटेन साइलेंस. योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, ही आस्क्ड प्लीज मेंटेन साइलेंस. ऑप्शन बी, ही सेड द ऑडियंस मस्ट मेंटेन साइलेंस. ऑप्शन सी, ही सेड विल द ऑडियंस मेंटेन साइलेंस. एंड ऑप्शन डी, ही सेड टू द ऑडियंस प्लीज मेंटेन साइलेंस. द टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो चारों सेंटेंसेस काफ़ी काफ़ी डिफरेंट हैं. एक सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, एक सेंटेंस में ही सेड टू द ऑडियंस है, जबकि बाकी सब में ही सेड है. So you have to be very careful which is the correct answer. Option D. He said to the audience, please maintain silence. This is the best option out of the given choices. अब अगर आप लोग सोचें कि he asked हो सकता है, he asked please maintain silence, यहाँ पर audience के लिए कोई word नहीं आ रहा. इसी वजह से हमने option A को answer select नहीं किया, option D को select किया, क्योंकि यहाँ पर
ही सेड टू द ऑडियंस पूरा यूज हो रहा है. सो दिस इज बेटर. वी सी क्वेश्चन नंबर 21. द कोच आस्क्ड अस इफ वी हैड एनी डाउट्स. ऑप्शन ए द कोच सेड हैज एनी वन हैव डाउट्स. ऑप्शन बी द कोच सेड टू अस एनी डाउट्स. ऑप्शन सी द कोच सेड टू अस डू यू हैव एनी डाउट्स. ऑप्शन सी द कोच सेड वुड यू हैव डाउट्स. एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके स्टूडेंट्स, सो द टाइम इज अप. इसका आंसर है ऑप्शन सी. द कोच सेड टू अस डू यू हैव एनी डाउट्स. नाउ अगेन दिस इज अ क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पर आस्क्ड और इफ यूज हो रहा है. इफ वी हैड एनी डाउट्स की जगह आएगा डू यू हैव एनी डाउट्स. बिकॉज क्वेश्चन जब हम फ्रेम करते हैं तो हम डू को पहले यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं. मिस्टर स्टीवन सेड दैट एक्सप्लेनेशन वॉज ईजियर. ऑप्शन ए मिस्टर स्टीवन सेड दैट एक्सप्लेनेशन इज ईजियर. ऑप्शन बी मिस्टर स्टीवन सेड दिस एक्सप्लेनेशन वॉज ईजियर. ऑप्शन सी मिस्टर स्टीवन सेड दिस एक्सप्लेनेशन कुड बी ईजियर. ऑप्शन डी मिस्टर स्टीवन सेड दिस एक्सप्लेनेशन इज ईजियर. द टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो आपको इन सभी में बेस्ट जो टेंस है, जो सही टेंस है वो ढूंढना है. यहाँ पर टेंस क्या है? वॉज ईजियर. दिस इज सिंपल पास्ट टेंस. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है. दिस एक्सप्लेनेशन इज ईजियर. क्वेश्चन नंबर 23. ही सेड टू हिज वाइफ दैट दे शुड बाय अ न्यू कार. ऑप्शन ए ही सेड टू हिज वाइफ वी शैल बाय अ न्यू कार. ऑप्शन बी ही सेड वाइफ लेट अस बाय अ न्यू कार. ऑप्शन सी ही सेड टू हिज वाइफ वी कैन बाय अ न्यू कार. ऑप्शन डी ही टेल्स हिज वाइफ वी मे बाय अ न्यू कार. द टाइम बिगिंस नाउ. टाइम इज अप. इसका आंसर है ऑप्शन ए. ही सेड टू हिज वाइफ वी शैल बाय अ न्यू कार. नाउ शुड विल चेंज इन टू शैल एंड द रेस्ट ऑफ दिस सेंटेंस रिमेन्स द सेम. जस्ट द रूल्स फॉर कन्वर्जन टू डायरेक्ट स्पीच विल अप्लाई. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 24. शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वॉज हर बर्थडे पार्टी. ऑप्शन ए शी सेड इट इज माई बर्थडे पार्टी. ऑप्शन बी शी सेड ओह इट्स माई बर्थडे पार्टी. ऑप्शन सी शी सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई बर्थडे पार्टी. ऑप्शन डी शी सेड ये इट्स माई बर्थडे पार्टी. द टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो यू हैव टू फाइंड द करेक्ट वर्ड फॉर दिस एक्सप्रेशन एक्सक्लेम विद जॉय. आंसर है ऑप्शन डी. आई नो मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड द आंसर बिकॉज यहाँ पर देखिए ये है और ये की जगह दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय. तो यही हमारा आंसर होगा और इसका टेंस भी ठीक है. इट इज़ माय बर्थडे पार्टी. इट दैट वाज हर बर्थडे पार्टी. सो सिंपल पास्ट टेंस हैज़ बीन चेंज टू सिंपल प्रेजेंट टेंस. क्वेश्चन नंबर 25. एंथनी सेड दैट आई शुड डेफिनेटली विजिट देयर. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एंथनी सेड यू शैल डेफिनेटली विजिट हियर. ऑप्शन बी एंथनी सेड यू शुड डेफिनेटली विजिट हियर. ऑप्शन सी एंथनी सेड यू मे विजिट देयर वंस. ऑप्शन डी एंथनी सेड एवरीवन शुड डेफिनेटली विजिट देयर. द टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि देयर को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या चेंज आएगा और आपको शुड का भी ध्यान रखना है. टाइम इज अप. इसका आंसर है ऑप्शन बी. एंथनी सेड यू शुड डेफिनेटली विजिट हियर. अब अगर कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमें शुड को शैल में कन्वर्ट करना होता है डायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ पर देखिए अगर हम शैल यूज़ करेंगे तो हमारा मीनिंग चेंज हो रहा है. एंथनी एक एडवाइस दे रहा है कि तुम्हें वहाँ पे विजिट करना चाहिए. अगर हम शैल यूज़ कर देंगे तो ये तो एक ऑर्डर या कमांड हो गया, यू शैल डेफिनेटली विजिट हियर. लेकिन एंथनी ऐसा नहीं बोल रहा है, वो एक सजेशन या एडवाइस दे रहा है. इसीलिए डायरेक्ट स्पीच में भी होगा यू शुड डेफिनेटली विजिट हियर. सो इट इज़ नॉट दैट आपने ब्लाइंडली सारे रूल्स अप्लाई करने होते हैं. आपको थोड़ी सेंस आनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज की समझ भी होनी चाहिए, जिसके लिए आप थोड़ा रीडिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर पढ़िए, तभी आपको लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस आएगा और आप इजीली ये सब ग्रामर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन आई'ड लाइक टू रिमाइंड यू प्लीज़ हिट द बेल आइकन बिलो दिस वीडियो
for notification regarding the next upload, and also follow English Academy on social media platforms for interesting stuff related to English like quizzes and other trivia. And with this, we end this session. This is me, Ruchika, signing off. Till the next time we meet, take care and goodbye.